दोस्तों आज है सैटरडे और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैटरडे के दिन मतलब सैटरडे की रात को मैं हेयर ऑयल लगाता हूँ। आज मैं दोबारा आपको एक बार हेयर ऑयल लगा के दिखा देता हूँ। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप हेयर ऑयल बताइए कि कौन सा हेयर ऑयल लगाते हैं, आप नहीं बताते। तो दोस्तों मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ इसके ऊपर कि हेयर ऑयल आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिए तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करने के लिए एक बार फिर से वीडियो बना दूँ। तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ कि हेयर ऑयल मैं कैसे लगाता हूँ। So, hello friends, how are you all? I'm back again with this new fresh video. मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं भाई लोगों का। चलो तो दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे जैसे कि पूछते हैं जनरली कि भैया बताइए कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं, आप कोई स्पेसिफिक कोई हेयर ऑयल है तो हमें बता दीजिए, हम वो भी यूज करने की कोशिश करेंगे। और हालांकि वो लोग काफी सारे हेयर ऑयल यूज करते हैं और कौन सा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा जो हेयर ऑयल यूज करता हूँ वो है पैराशूट का कोकोनट ऑयल। मैं रेकमेंड करता हूँ काफी सारे लोगों को इससे कि यही लगाई कीजिए। जो कोई दूसरा यूज करना चाहता है तो कोई दूसरा भी यूज करते कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मी वगैरह का आता है और आंवला वगैरह आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को ज्यादा ठीक नहीं लगते क्योंकि वो नेचुरली मतलब इतना वर्क नहीं करते, लेकिन ये काफी ज्यादा नेचुरली वर्क करता है। तो ये भी मैं आपको लगा दिखा देता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से लगाता हूँ और किस तरीके से यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ऑयल और ये जैसे कि निकाल लिया। तो दोस्तों वैसे भी बड़ी एक वही बात हुई है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हेयर ऑयल लाइक निकाल के दिखा रहा था, जैसे ही मैं दिखाता हूँ जैसे वीडियो के भाई बता रहा था, तो मेरे को बाद में पता लगा कि अभी तो सर्दियाँ चल रही है और जो हेयर ऑयल मेरा जम गया है। अभी मैं इसको गर्म करके लाया हूँ तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे लगाते हैं। अच्छा भाई आ गया, हो गया, ये आप ले लीजिए उतना कि मतलब आपके सर से बहने ना लग जाए, इतना ले लीजिए, बहना नहीं चाहिए। और ये थोड़ा ऐसे लिया और इसको अपने स्कैल्प में लगा लीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर ऊपर से लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, अब जड़ में लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हालांकि मेरे जो बाल हैं वो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, मैं उनके ऊपर इसको लगा रहा हूं। देखो पूरा विजिबल है, काफी सारे लोग तो वीडियो बीच में बंद कर देंगे, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल एंड तक देखें कि किस तरीके से लगाते हैं। जहां से आपके बाल कम हो रहे हैं वहां पे कोशिश करिए लगाने की, मेरा जो क्राउन एरिया है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो मैं वहां पे लगा रहा हूँ, और ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहां पे भी लगा रहा हूँ। दोनों हाथ में मेरे लग चुका है तेल अच्छे तरीके से और उसको धीरे धीरे करके मसाज करूँगा। ये जो एरिया है डोनर एरिया है, काफी सारे लोग कहते हैं कि सर डोनर एरिया से एक बार बाल निकाल लेते हैं तो दोबारा बाल नहीं आते। तो दोस्तों वहां पे बाल वो वाले आ जाते हैं अगर डॉक्टर ने गलती से आपका जो बाल के बाल है उसकी जड़ को तिरछा काट दिया है, अगर आपकी जड़ वहां पे बची हुई है तो वहां पे दोबारा बाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हल्की मसाज करनी है और मसाज करने के बाद इसको छोड़ देना। काफी सारे लोग इसको 2 घंटे में 3 घंटे में धो देते हैं, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट रखता हूँ। और काफी सारे लोग कहेंगे कि बाल देखो कि बाल गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे, तो बाल तो गिर रहे हैं, आपको इसमें नहीं दिखाऊंगे लेकिन मेरे को इसमें दिख रहे हैं तकरीबन 9-10 बाल तो। ठीक है, ये लगा दिया हमने तेल, इसको धोएंगे हम कल सुबह। अच्छी तरीके से मसाज करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको कि इसको धोएंगे कैसे, किस तरीके से धोएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं बीच में रोक दूंगा और उसके बाद मैं सुबह की शूट करूंगा। शायद हो सकता है आपको जो वीडियो है ये थोड़ी लेट मिले क्योंकि मैं इसको सैटरडे को शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं इसको अपलोड थोड़ा लेट करूँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग है सैटरडे की हो रही है और संडे की यानी कल सुबह को मैं धो दूंगा इनको।
हैं अटैच करके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सुबह हो चुकी है, अब टाइम है हेड वॉश का, यानी कि बालों को धोने की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं। और पानी यहाँ पे लिया जा रहा है, पानी गर्म पानी सर्दियों में गर्म पानी। लिंग लिंग टिंग लिंग 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 चिंग लिंग 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 नहाएंगे 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 नहाएंगे। तो गाइस बालों को धोने की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरे को ध्यान आया कि मेरे को शायद बाल थोड़े से अपने ट्रिम करने चाहिए दाढ़ी के, तो जो कि मैं अपने पैनासोनिक के ट्रिमर से करूंगा, स्टार्ट कर रहा हूं उसको। सो हो गया, बहुत सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं आगे की प्रक्रिया के ऊपर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ, जो लोग नहीं जानते कि कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ, वो मैं देख लूँ। ये वाला शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ, इसको आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही बेटर शैम्पू है। बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें है बायोटीन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है यहाँ पे बायोटीन, और बायोटीन ज़रूरी है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा, और बालों की जड़ों को आप मजबूत करता है। और शैम्पू है तो डेफिनेटली आपको डैंड्रफ उस पर काम करेगा ही करेगा। तो बालों को धोने की प्रक्रिया, जैसे कि आप, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैंने रात को सोने से पहले बालों में तेल लगाया था, और उसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं ओवरनाइट रखता हूँ, ओवरनाइट हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है, तो अब इसको हम वॉश करेंगे। तो बालों को सबसे पहले गीला कर देते हैं। अभी आपने तकरीबन रहने देना है अपने अपने सर में 10 मिनट, इसका जो असर है वो ये पूरा कर ले। पहले हल्के हल्के मसाज कर लो आप, मसाज करने के बाद आपको रिलाइज होगा जब आप धो देंगे कि हाँ आपके जो डैंड्रफ है वो बहुत हद तक काम हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा असर किया है उसने। ठीक है, अब इसको मैंने लगा लिया है, लगाने के बाद इसको छोड़ दूंगा वैसे 10 मिनट। और ये कब कब लगाना चाहिए यार, शैम्पू हमें डेली नहीं करना चाहिए, शैम्पू तकरीबन हमें हफ्ते में 3 बार करना चाहिए, ताकि जो हमारे बालों में जो भी डस्ट लगी हुई है, जो भी गंदगी फंसी हुई है वो निकल जाए। ये हमने लगा लिया है, इसको मैं 10 मिनट अब छोड़ दूंगा। तो शैम्पू को लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और आप इसको प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं धोने की, यानी कि इसको वॉश करने की। इसको इस तरीके से वॉश करते हैं और डाल लेंगे अपने सर पे धीरे धीरे। बालों को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बालों को इस तरीके से नहीं मारना है कि तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए उसमें। देखो जो लोग कहते हैं पानी डाल के दिखाओ, तो पानी डाल के भी एक तरह से आप लोगों को दिखाई दिया मैंने। ठीक है, हाँ साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि बाल जो धो चुके हैं अच्छे तरीके से, और इसको किस तरीके से पहुँचते हैं। जेंटली आप इनको अपने बालों को रोकोगे, जितनी केयर से रोकोगे उतने ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। काफ़ी सारे लोग जैसे पूछते हैं कि सर बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांटेड वाले बाल कितने साल चलते हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से रखते हैं। ठीक है, बस क्या बार बार वीडियो देखने आ जाते हो। तो दोस्तों बाल जो है अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक किए बिना आ जाए। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर प्रेस कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास चली जाएगी, और आप उसको बहुत जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाया और आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। तो उसके लिए स्पेशली आपको मेरे पेज पर आना पड़ेगा। तो
बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन में भी और नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।